हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, अ वेरी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द नोबल प्राइजेस। तो देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉल हैज़ बीन अराइव्ड इन स्कैंडिनेविया, विच मीन्स ग्लोबल नोबल प्राइज सीजन इज हेयर। द स्टार्ट ऑफ अक्टूबर इज वेन द नोबल कमिटी गेट टूगेदर इन स्टॉकहोम एंड ऑस्लो टू अनाउंस द विनर ऑफ द ईयर्स ईयरली अवार्ड्स। अब देखिए, यहाँ पे स्टॉकहोम ऑस्लो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट अप एज यूजुअल इज द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी, व्हिच इज अनाउंस्ड बाय पैनल ऑफ जजेस एट द कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट इन द स्वीडिश कैपिटल। द प्राइज ऑफ द इन फिजिक्स केमिस्ट्री लिटरेचर पीस एंड इकोनॉमिक फॉलोज विद वन अनाउंसमेंट एवरी वीक डे। द नोबेल प्राइज वर क्रिएटेड बाय अल्फ्रेड नोबल इन 19th सेंचुरी बिजनेसमैन एंड केमिस्ट फ्रॉम स्वीडन। He held more than 300 patents, but his claim to fame before the Nobel Prize was having invented dynamite by mixing nitroglycerin with a compound that made the explosive more stable. One reason the prizes are so famous is they come with a generous amount of cash. The Nobel Foundation has raised the prize money 10% this year to about $1 million. In addition, winner receives a 18 carat gold medal. तो यहाँ पे आप देखिए, $1 million मिल रहा है। आप $1 million कितना होता है? 1 million होता है 10 lakh, अगर मैं इंडियन रुपीस में बताऊँ, और डॉलर 80, तो उसमें एक जीरो यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, तो आप देखो ये हो गया 1000, ये हो गया लाख, ये हो गया 8 करोड़ रुपया। यहाँ पे सिंपल से 8 करोड़ रुपये मिल रहा है इंडियन रुपीस के टर्म्स की बात करूँ तो। डायनामाइट सून बिकम पॉपुलर इन कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एंड इन द वेपन इंडस्ट्री। इट मेड नोबल वेरी रिच मैन, पर हैप्स इट ऑल्सो मेड हिम थिंक अबाउट हिज लेगेसी, बिकॉज टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ ही डिसाइडेड टू यूज हिज वास्ट फॉर्च्यून टू फंड एनुअल प्राइजेस टू दोज हु ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर्स हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड। यहाँ पे आप देखिए, उनका नोबल थॉट बता रहा है कि उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया वो बोल रहा है दूसरों को दो, जिन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिससे ह्यूमन काइंड को हेल्प हुई है, बेनिफिट हुआ है ह्यूमन काइंड। द फर्स्ट नोबल प्राइज वर प्रेजेंटेड इन 1901, 5 ईयर आफ्टर हिज डेथ। तो उनके मरने के 5 साल बाद पहला नोबल प्राइज दिया गया। इन 1968 अ 6th प्राइज वॉज क्रिएटेड फॉर इकोनॉमीज बाय स्वीडन सेंट्रल बैंक। दो नोबल परसूट स्ट्रेस दैट इकोनॉमीज प्राइजेस इज टेक्निकली नॉट अ नोबल प्राइज, इट्स ऑलवेज प्रेजेंटेड टुगेदर विद द अनदर। वन रीजन द प्राइजेस आर सो फेमस इज दे कम विद द जनरस अमाउंट ऑफ कैश। द नोबल फाउंडेशन विच एडमिनिस्टर्स द अवार्ड हैज रेज द प्राइज मनी बाय 10% दिस ईयर टू अबाउट $1 million। इन एडिशन टू द मनी, विनर रिसीव्स 18 कैरेट गोल्ड मेडल एंड डिप्लोमा when they collect their Nobel Prize and the award ceremony in December. तो यहाँ पे ये बात हो रही है। Historically, a vast majority of Nobel Prize winners have been white men. Though that started to change, there is still little diversity among Nobel winners, particularly in science category. To date, 60 women have won Nobel Prizes, including 25 in the scientific categories. Only 4 women have won the Nobel Prize in physics and just 2 in the economic प्राइज। तो यहाँ पे आप देखिए, ये होता है इक्वालिटी, इसको इस नंबर को बढ़ाया जाए तब वुमेन इक्वल्स टू मैन होंगी, ठीक है। इन द अर्ली डेज ऑफ द नोबेल प्राइज द लैक ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द विनर्स कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय द लैक ऑफ डाइवर्सिटी अमंग साइंटिस्ट इन जनरल, बट टुडे क्रिटिक्स सीज द जज नीड टू बी बेटर जॉब टू डू अ बेटर जॉब एट हाईलाइटिंग डिस्कवरीज मेड बाय वुमेन एंड साइंटिस्ट आउटसाइड यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी आ गया कि वुमेन के ऊपर ध्यान दिया जाए और यूरोसेंट्रिक ना रहा जाए, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका के बाहर जाके साइंटिस्ट को देखा जाए। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में हमारे लिए इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, एक बार जानना जरूरी था कहाँ पे स्टॉकहोम। अब देखिए, मैं देख लेता हूँ, लिख देता हूँ एक बार हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले ओस्लो, स्टॉकहोम,
स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और आप देखिए, ठीक है, ये अल्फर्ड नोबल ने स्टार्ट किया था, अल्फर्ड नोबल ने स्टार्ट किया था, उनके पास 300 पेटेंट्स थे। पर मेन चीज़ क्या था, जो डायनामाइट में उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन मिलाया, जिससे वो एक्सप्लोजन आपका स्टेबल हो गया, एक्सप्लोजन बिकम मोर स्टेबल। तो वो कंस्ट्रक्शन और माइनिंग इंडस्ट्री में और वेपन इंडस्ट्री में बहुत हेल्पफुल रहा। 1901 में पहली बार दिया गया, आज तक आप देखिए 60 वुमेन्स ले चुकी हैं। फिजिक्स में सिर्फ 3 वुमेन को मिला है, 25 को साइंटिफिक कैटेगरी में मिला है, 4 को सिर्फ फिजिक्स में मिला है और 2 को इकोनॉमिक प्राइज मिला है। तो इसको इक्वल करना चाहिए, ठीक है, वुमेन के, वुमेन को थोड़ा और यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए। उसके बाद से आपका यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका के बाहर निकल के देखना चाहिए। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए बस इतना ही होता है, ये मोस्ट प्रोबेबली आपके अल्फर्ड नोबल ही हैं। हाँ देखिए, बर्स्ट ऑफ नोबल प्राइज फाउंडर अल्फर्ड नोबल एट दी कंसर्ट हॉल ड्यूरिंग द नोबल प्राइज अवार्ड सेरेमनी इन स्टॉकहोम्स। सो थैंक यू गाइस, एंड प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। कुछ ऐसा भी काम करो आपको भी नोबेल प्राइज मिले, 8 करोड़ रुपया आज के हिसाब से मिल जाएगा और 18 कैरेट का गोल्ड मेडल मिलेगा। सो थैंक यू एंड प्लीज वर्क हार्ड।